आईटी मिनिस्टर केथिया ने सिलसिला से ताल्लुक रखने वाली मुतासिरा बच्ची से जो 27 अक्टूबर को अजमत रेजी का शिकार हो गई, नीलोफर हॉस्पिटल पहुंचकर मुलाकात की। अरकान खानदान को उन्होंने इस मौके पर यकीन दिलाया कि वो इस केस की कार्रवाई के लिए जोर देंगे ताकि खाती को फौरी तौर पर सजा मिल सके। पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट प्रेसिडेंट बी महेश बाबू, हम लोग ये डिमांड करने का है, ये बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, वो बच्ची साथ उसका एज सिक्स इयर्स को, इतनी नादान बच्ची, दुनिया क्या चीज़ है नहीं जानती, उसके साथ बलात्कार हुआ। किसने किया? वो एक सरपंच का हस्बैंड ने किया है, उसका नाम शंकर है। हम लोग डिमांड करने का क्या, वो TRS का हक भी है, हम लोग यही चाहते हैं कि उसको इमीडिएटली उसकी औरत को भी बरतराफ करना। सर, ये सरपंच कहाँ का है? ये सरपंच सिरसिला KTR के बहुत क्लोज लोग हैं ये लोगों, लेकिन पुलिस वाले भी लेके आके उनको प्रोटेक्ट करते हुए लेके चले गए। बच्ची का हाल चाल क्या है ये नहीं पूछे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह उनको प्रोटेक्ट करके जेल में ले जाने की कोशिश में वो लोग रह गए, लेकिन ये बच्ची का हाल चाल, माँ बाप का हाल चाल क्या हुआ नहीं हुआ, और माँ बाप लोग पूछे तो माँ बाप को भी वो लोग पीटे, बुरी तरह से पीटे, उनका बाप यहाँ ही है तो आप लोग देख सकते हैं। कब हुआ ये? 6 दिन हुआ। कहाँ पर हुआ ये? सिरसिला एल्ला रेड्डी पेट। हम कब एडमिट करें ये? अभी एडमिट करके यहाँ भी 4 दिन संडे। अब आप जरा ठीक है, साफ देख रहे हैं वो उस तरीके से, वी आर हैप्पी दैट द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। 6 साल की बच्ची, हम लोग डिमांड करने का क्या है बोलो तो, गवर्नर से या CM से इमीडिएटली मोबाइल ट्रैक कोर्ट वहाँ आना चाहिए, जब भी डिसीशन होना चाहिए। ये दूसरे केसेस अलग चीज़ हो सकती है, रात के अंधेरे में बलात्कार हुआ, ये बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बच्ची उससे बढ़ के कुछ नहीं बोल सकती, बच्ची जानती है ये कौन बलात्कार करा, उससे बढ़ के और क्या चाहिए ये जज के लिए या कोई भी जुडिशल डिसीशन के लिए। हम लोग यही विनती करते हैं जुडिशल से भी, उन लोग अपना सिस्टम को बदले, अरे ऐसे वक्त पे इमीडिएटली ऑन द स्पॉट डिसीशन लिए तो ये आइंदा ऐसे चीज़ें आइंदा नहीं होते बोल के हम लोग मानते हैं। और उसी तरह हम लोग डिमांड करने का क्या है, वो तो बच्ची का ये हाल ऐसा है तो उन लोगों को उसकी बच्ची के एक एज आए तक, शादीशुदा हुए तक, ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। उसी तरह माँ बाप को भी गवर्नमेंट शुड टेक केयर, उनको कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता दिखाना, कोई ना कोई उनको कोई जॉब में उनको लेके आके उनका एक सिस्टम में इकोनॉमिकली उनको साउंड करे, सबका सिस्टम भी उनको बताना चाहिए। और वो भी नहीं कि अगर हम लोग ये चाहते, आज भी लोग कह रहे हैं कि उसको पुलिस जेल में भी प्रोटेक्शन है, हम लोग क्या चाहते हैं मीडिया को भी मालूम होना, इन कैमरा में लोगों को बताना चाहिए उन्हें किस तरह से है लोग। हम लोग हर एक चीज़ में हम लोग पढ़ते रहते हैं क्या बोल के, वहाँ भी बियर बॉटल मिलते हैं, वहाँ भी लिकर मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर जेल जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे सिस्टम में इन कैमरा में पब्लिक को बताना चाहिए वो आदमी कहाँ है कैसा है, वो सचमुच जो जेल काट रहा है या नहीं। पुलिस कॉपरेट कर रही है? पुलिस भी कॉपरेट नहीं किया भाई, वही तो बोला पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करने का क्या है, वो रूल बुक इम्प्लीमेंट करे, हम लोग उनसे बढ़ के कुछ नहीं चाहते।
क्योंकि पहले भी कुछ केसेस है क्या उसके ऊपर? वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम किस पे सेम सरपंच पे 3 केसेस है बोलते हैं अभी भी, चाहे कोई भी रहने दो। ये मैं बोलने का क्या है, वो तो TRS का है, TRS का गवर्नमेंट का, इस तरह गवर्नमेंट चल रहा है, उनका एक आदमी इस तरह कर रहा है बोले तो गवर्नमेंट पे क्या असर गिरता है? गवर्नमेंट सिस्टम ही इस तरह है तो पब्लिक कहाँ तक भरोसा कर सकता? मैं गवर्नर से और मैं CM से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि मोबाइल कोर्ट लेकिन जस्टिस वहीं हो, ऑन द स्पॉट होना चाहिए, तब कहीं पब्लिक पे कॉन्फिडेंस लेवल बोलते सो बता। और जो भी उनको डबल बेडरूम एक्सग्रेशिया उनको देना है ना। अच्छा, नाम? मेरा नाम भी महेश बाबू, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट प्रेसिडेंट।